हेलो, वेलकम टू माय लंच व्लॉग। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं रहती, लेकिन फिर भी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी बहुत ही फटाफट और आसान। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है तो क्या बनाए लंच में, ये सोचना पड़ता है, तब आप इस इजी रेसिपी को बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तो ना इसे कभी कभी लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, दही मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब आते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही नॉमिनल मसाले लिए हैं और इतने कम मसालों में भी इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी लिया है, एक छोटी चम्मच यहाँ पर गरम मसाले लिया है और एक चौथाई छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है। यहाँ पर दो चम्मच जो है मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को हम पानी में डालकर घोल लेंगे। और ये सब्जी ना बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट रहती है। मेरे बच्चे तो इसे बड़ी चाव से खाते हैं। आप अपने बच्चों को भी बनाकर इसे जरूर ट्राई करना। यहाँ पर अब हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आधी छोटी चम्मच सरसों और आधी छोटी चम्मच जीरा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, बिल्कुल पिंच ऑफ। यहाँ पर चार हरी मिर्ची ली है मैंने और यहाँ पर 8 से 10 लहसुन लिया चॉप करके और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। प्याज को हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर जो लहसुन है वो थोड़ा फ्राई हो चुका है तो अब हम यहाँ पर अनियन डाल देंगे। प्याज को बस हमें ट्रांसल्यूसेंट करना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा देर इसे फ्राई करना है। अब जो मसाले मिक्स करके रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों को भुनना कब तक है अभी बताती हूँ। इस पॉइंट पे आते तक हमें मसालों को भुनना है। देखिए, यहाँ पर तेल अलग से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब ये रेडी है। अब मसाला तो रेडी है, हमने जो फेंट के दही रखा था उसे इसमें डाल लेंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल दें। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग से निकल चुका है, मतलब जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, पककर तैयार है। वाओ, तो बना खाओ, एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।